दोस्तों कुछ दिन पहले ओला ने एक न्यूज बोला था कि वो अपने 4 इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि ओला ही प्रोड्यूस करने वाला है। पर आज ओला ने अपने चारों इलेक्ट्रिक बाइक को रिवील किया है जिनका नाम ओला रोस्टर, ओला क्रूजर, ओला एडवेंचर, ओला सुपर स्पोर्ट्स डायमंड हेड। ये चारों गाड़ी फुल्ली इलेक्ट्रिक है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, इन सारे बाइक्स का मैं डिटेल्स देने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले ओला रोस्टर के बारे में देखेंगे। आप कुछ भी दोस्तों, ओला के डिजाइन्स बहुत बढ़िया होते हैं और इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया है। फ्रंट में छोटा हेडलाइट आता है, हैंडल भी अच्छा है और इसके अंदर एक डिस्प्ले भी मिलता होगा। मैं श्योर नहीं हूं कि डिस्प्ले आता है, पर देखने से डिस्प्ले जैसा ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब फ्रंट टायर देखे दोस्तों, अपसाइड डाउन फोर्क्स आते हैं। सीट अच्छा है, कंफर्टेबल लग रहा है, आराम से 2 जन बैठ सकते हैं। और अब इधर नीचे देखे दोस्तों, ये इस गाड़ी का बैटरी है। फ्रेम के जैसे ही बनाया गया है इसका डिजाइन। और ये है इसका एलईडी टेल लैंप, थोड़ा नीचे की तरफ दिया गया है। तो चलिए अब हम ओला क्रूजर बाइक के बारे में देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसका डिजाइन मुझे बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। गाड़ी के डिजाइन देखते ही पता चलता है कि ये इसमें सिंगल सीट है। अगर आप रियर व्हील देखेंगे तो उसमें चैन दिया गया है, उसकी मदद से गाड़ी आगे चलती है। और आप इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का टायर देख सकते हैं जो की बहुत फैट है। ये फैट व्हील्स मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस गाड़ी में आपको मोनो शॉक अब्जर्वर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है इसमें 2 सीटर भी आएगा और आना चाहिए दोस्तों। आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में बताइए। अब हम तीसरे इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ओला एडवेंचर बाइक। दोस्तों ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक होगा और इस गाड़ी को देखते ही पता चलेगा कि ये एडवेंचर के लिए बनाया गया है। इसके अंदर स्पोक व्हील्स आता है, अपसाइड डाउन फोर्क्स आता है और इसका सामने का लुक देखिए दोस्तों, बीक की डिजाइन की तरह है। बीक का मतलब वो बर्ड्स के बीक रहता है ना, उसकी तरह इसका डिजाइन लग रहा है। और हेडलाइट्स के पास वर्टिकली DRLs मिलते हैं। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये इंजन नहीं है दोस्तों, ये इस गाड़ी का मोटर है, अंदर दिया गया है, इसी से गाड़ी आगे चलता है। और हाँ, ओला ने इन गाड़ियों का कुछ भी स्पेसिफिकेशन बताया नहीं है, जो कि बैटरी पैक कितना होगा, रेंज कितना होगा, क्या क्या फीचर रहेंगे, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जब आएगा तब देखा जाएगा। जब सारे स्पेसिफिकेशन रिवील करेंगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सीधा लास्ट और आखिरी गाड़ी के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ओला सुपर स्पोर्ट्स डायमंड हेड इलेक्ट्रिक बाइक। डिजाइन देखिए, बिल्कुल डायमंड की तरह ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये डिजाइन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ DRL देखने मिलेंगे और हेडलाइट नीचे छुपा हुआ है दोस्तों। इसका राइडिंग पोजीशन बहुत एग्रेसिव होने वाला है। फैट टायर्स के साथ इसका डिजाइन बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका क्या रहता है इन गाड़ियों के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जब फुल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन रिवील या लीक होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर गाड़ी देखना चाहता है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। नहीं तो आप हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX 5.0 का वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।